बाय हुक और क्रूक वो इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे होते हैं और इंडिया ऑलरेडी मेंबर है एफएटीएफ का। जब एक मेंबर उधर बैठा है तो उसने तो अपनी सिफारिशात मनवानी है और उसका अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर होता है और पाकिस्तान वो बर्दाश्त कर रहा है। और हमारे यहाँ एक और चीज बड़ी मिसकॉन्सेप्शन की तरफ ले जाती है, कहा जाता है जी के व्हाइट लिस्ट में कब जाएगा। भाई कौन सी व्हाइट लिस्ट यार, कौन सी व्हाइट लिस्ट, सिर्फ दो लिस्ट है, एक ग्रे लिस्ट होती है एक ब्लैक लिस्ट होती है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, यही होता रहा है मिलाद, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाद, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। ऐसे पाकिस्तान को एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट कराने की भारतीय साजिशें नाकाम हो गई हैं। एफएटीएफ ने 27 में 24 सिफारिशात पर पाकिस्तानी इकदामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। अब बाकी जो 3 सिफारिशात हैं इसके बाद पाकिस्तान पर ये जो आप कह रहे हैं कि लटकती हुई तलवार है हमेशा के लिए हट जाएगी, और इन 3 नुकात पर अमल करने के लिए एफएटीएफ की जानिब से 3 माह की मोहलत भी दी गई है। फारूक सलीम साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, मुआशी लिहाज से अगर हम देखें तो इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान पर? देखिए मैं समझता हूँ हमें सारा का सारा फोकस साजिशी थ्योरीज के ऊपर नहीं करना चाहिए, सारा का सारा जोर जो है वो सफारतकारी के ऊपर भी नहीं हो सकता। बहुत सारे मामला जो है जो कारकर्दगी के ऊपर, जमीनी हकायक की कारकर्दगी के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे जो आर्मी इदारे हैं उनकी जो शरायत हैं, उनकी जो कंडीशन है वो बड़ी साफ शफाफ हैं और खुले तौर पर सामने बताई जाती हैं। जून 2018 में जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था उस वक्त हमें ये 27 पॉइंट का एक एक्शन प्लान दिया गया। अब आप अंदाजा कीजिए कि तकरीबन 3 साल होने को हैं और वो 27 पॉइंट में पहले साल में हमने शायद 21 पॉइंट पूरे कर दिए, 6 रह गए थे। अब ये है कि तीसरा साल होने को है, अब बाकी 3 पॉइंट्स रह गए हैं, 24 के ऊपर हमने अमल दरामद जो है वो कर दिखाया है। जहाँ पे 4 स्टेजेस हैं की, पहली तो ये है कि आपने निशानदेही करनी है, दूसरी स्टेज आती है तफ्तीश की, तीसरी स्टेज आती है मुकदमा चलाने की, और चौथी स्टेज आती है सजा देने की। हमारे यहाँ कानून साजी हो चुकी है लेकिन प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ कि कन्विक्शन जो सजा, एक्चुअल सजा देने में पाकिस्तान बहुत कमजोर रहा है। और अगर आप उसके कुछ नंबर देखना चाहती हैं, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से वो कह रहे हैं कि 228 टोटल केसेस जो है वो चलाए गए थे जिनमें से 58 कन्विक्शंस हुई हैं और तकरीबन सारी की सारी तकरीबन 49 सिर्फ एक ही सूबे से हुई हैं, पंजाब में, और बाकी सारे सूबे मिला के सिर्फ 9 कन्विक्शंस हैं। तो जो म्यूचुअल इवेल्यूएशन रिपोर्ट लिखी गई थी उसमें कहा गया था कि ऐसा हो नहीं सकता कि बाकी 3 सूबों में भी ये कार्रवाई ना हो रही हो, तो वहाँ पर कन्विक्शन की बड़ी कमी रही। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अगर आप कॉन्क्रीट नंबर देखना चाहती हैं तो वहां पे कह रहे हैं कि 2420 तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिनमें से 354 के ऊपर मुकदमा चलाया गया और सिर्फ एक शख्स के ऊपर एक्चुअली सजा उसको दी गई। तो कानून साजी हम कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, कानून साजी के ऊपर अमल दरामद और फिर कन्विक्शन तक पहुंचना मेन मकसद इस वक्त जो हमारी कमजोरी रह रही है, जिसको एफएटीएफ वाले कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक डिफिशिएंसी है, एक हिकमत अमली की एक कमजोरी आ रही है, वो ये है कि आप देख लीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग में असेसमेंट पीरियड जो एफएटीएफ का था उसमें सिर्फ एक शख्स को सजा मिली है जबकि हमने मुकदमा चलाए थे कोई 2420। तो हमारी कमजोरी आ रही है अमल दरामद की। अभी जो हुकूमती इकदाम है आपको लगता है कि क्या ये जून तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल पाएंगे, क्या देखते हैं आप आगे? देखें फिजब, तमाम पैनलिस्ट की मैं बातचीत सुन रहा था, एक तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट्स को बड़ा मिसअंडरस्टूड किया जाता है। अगर एफएटीएफ को बतौर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, इंटर गवर्नमेंटल यानी बैनुल हुकूमती ऑर्गेनाइजेशन तंजीम या इदारा 1989 में बना था, 32 साल पुराना इदारा है, G7 समिट के नतीजे में ये मार्ज वजूद में आया और इसका काम था मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काम करना, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के इंसदाद के लिए पॉलिसीज मुरतब करना। सन 2001 में जब 9/11 हुआ है उसके बाद इसमें टेरर फाइनेंसिंग के एलिमेंट को भी शामिल कर लिया गया कि अब टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से भी इसमें तजावीज या जो सिफारिशात हैं वो पेश की जाएंगी। मिसअंडरस्टूड यूं किया जाता है कि कहा जाता है कि 40 सिफारिशात हैं, 40 नहीं है, 40 प्लस 9 यानी 49 रिकमेंडेशंस हैं एफएटीएफ की। और हमारे यहाँ एक और चीज़ बड़ी मिसकॉन्सेप्शन की तरफ ले जाती है, कहा जाता है जी के
व्हाइट लिस्ट में कब जाएगा भाई? कौन सी व्हाइट लिस्ट यार, कौन सी व्हाइट लिस्ट? सिर्फ दो लिस्ट हैं, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। जो ब्लैक लिस्ट होती है उनका स्टेटस होता है NCCTs, यानी नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज, NCCTs कहा जाता है। और जो ग्रे लिस्ट होती है उसके अंदर अब कर्जा देने के ऊपर, कर्जा लेने के ऊपर और दीगर तमाम फैसिलिटीज के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। अब तक जो एज ऑफ नाउ तातरीन सूरत हाल है, इसके मुताबिक टोटल 18 ममालिक हैं जो ग्रे लिस्ट में है, 2 ममालिक हैं जो ब्लैक लिस्ट हुए हैं। हमारे दोस्तों में से अक्सर को शायद हमें भी ना पता हो कि ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज कौन से हैं। एक ईरान है, दूसरा शुमाली कोरिया है। बाकी जो ममालिक ग्रे लिस्ट में हैं उनके ऊपर पाबंदियां हैं। पाबंदियां किस नौ की हैं? यानी ये ममालिक कर्जा नहीं ले सकते, इनको अगर कर्जा मिलता है तो सख्त शरायत होती हैं, इनके ऊपर चेक रखा जाता है, दो स्टेटसेस दिए जाते हैं। ब्लैक लिस्ट होगा तो उसका फॉर्मल स्टेटस होता है कॉल फॉर एक्शन, इसको गौर से सुनिएगा जरा, कॉल फॉर एक्शन, यानी इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज होती हैं। और जो ग्रे लिस्टेड कंट्रीज हैं उनका स्टेटस होता है मॉनिटर्ड ज्यूरिसडिक्शन। तो हम ग्रे लिस्ट में हैं, हम उन 18 ममालिक में हैं, बदकिस्मती से हैं, जो मॉनिटर हो रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन के लिए, और इनके ऊपर तमाम तर चेक्स हैं। अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है फिजा, मैं यहां जरूर शामिल गुफ्तगु करूंगा। टोटल 37 मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, FATF के 37। दो और इदारे हैं जो कि एसोसिएट मेंबर हैं। वो दो जो इदारे एसोसिएट मेंबर हैं, एक है यूरोपियन कमीशन और दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। बाकी 37 ममालिक में एक हमारा मुखालिफ तरीन मुल्क भी मेंबर है FATF का, एंड दैट इज इंडिया। तो इंडिया हमेशा से प्लान करता रहा है पाकिस्तान के मामलों को सबोटाज करके, इसको ग्रे लिस्ट में रखने के लिए या ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए। हाँ, अगर आप ग्रे लिस्ट से निकलते हैं तो आपकी पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री हो जाती है, देयर इज नो व्हाइट लिस्ट काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, अच्छा जमील ने ये इंडिया के हवाले से जो बात की उसामा गाजी, ये बिल्कुल ठीक है कि भारत इस हवाले से साजिशें करता रहा है, लेकिन जो साबिका हुकूमतें हैं क्या उनकी कोई गफलतें नहीं थी, क्या कोताहियां नहीं थी जिसकी वजह बनी, या सिर्फ हम कह सकते हैं कि भारत की साजिशें ही हैं? देखें, अब दुश्मन तो आपकी कमजोरियों से फायदा उठाएगा ना, जहां जहां कमजोर होंगे हर उस सतह पर आपको उठाएगा। बड़ी गहरी बात है, कमजोरी अपनी भी होगी ना तो दुश्मन उससे फायदा उठाएगा और उसको जरा ज्यादा बढ़ा चढ़ा देंगे। बहुत से ममालिक में ये होंगी, मैं ये नहीं कहता कि सारा कसूर हमारा है, हमारी कमजोरियां हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसलिए तो हम जब दूर करते हैं तो उनको मानना भी पड़ता है कि पूरी तरह से हम उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन देखेंगे 2008 में भी पाकिस्तान इस तरह से जिसको हम ग्रे लिस्ट कहते हैं उसमें रहा, क्योंकि वो इनहांस मॉनिटरिंग का शायद टर्म यूज़ की जाती है वैसे तो, कि जी इनकी बड़ी सख्त निगरानी, जिसको हम कह लेंगे सख्त निगरानी में इनको रखा जाएगा, तो उसमें हम आ जाते हैं, उसको फिर आम लफ्ज़ों में ग्रे लिस्ट कहा जाता है। तो अब ये 2008 के बाद 2009 में मुझसे निकलते हैं, 2012 में फिर हमें उसमें लिस्ट में डाल दिया जाता है, इनहांस मॉनिटरिंग इनकी करेंगे जी, फिर 2015 में बाहर आते हैं, 2018 में फिर पाकिस्तान को डाल दिया जाता है। अब कोई इंडिपेंडेंट तो इस तरह नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया जाता, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, कोई टैब एड लैब, वो कहते हैं, उनका ये दावा है थिंक टैंक का कि जी 38 अरब डॉलर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है अगर देखा जाए, जब जब पाकिस्तान ये ग्रिल्स में जाता है फिर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल मुश्किल में आती है। तो इस तरह से फिर आप देख लें कि जब पाकिस्तान को नुकसान होगा माशी तौर पर, तो उसका जाहिर है कि अब जो भी दुश्मन मुल्क होगा वो कहेगा जी इसकी मईशत को ही कमजोर किया जाए, किसी तरह इसको पीछे ले जाया जाए। अच्छा, ताकि वबा अब आगे क्या होता है फारूक सलीम साहब, आपको क्या लगता है कि कौन से 3 इकदाम हैं वो जिन पर हमें जून तक अमल करना है? इस हवाले से आपके पास कोई मालूम है? आप तो गहरी नजर रखते हैं मईशत पर। जमीनी हकीकत देखी जाए तो जब हम तकरीबन 2 हफ्ते पहले रह जाते हैं जब FATF की जो मीटिंग है वो होने लगती है, तो पुल के अंदर तैयारी शुरू हो जाती है। उससे पहले मैंने महसूस किया है कि हम सोए रहते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि हमने सिर्फ जो 6 उसकी शराइत रह गई थी उनके ऊपर अमल दरामदी करते हुए कोई हमें 1.5 से 2 साल निकल गए, और बहस FATF के ऊपर उसी वक्त शुरू होती है जब 2 या 3 हफ्ते रह जाते हैं उसकी मीटिंग के आना। नुकसान ये अभी जैसे अभी जिक्र किया गया कि तकरीबन 3 अरब डॉलर का सालाना नुकसान 2008 से लेकर 2020-21 तक एस्टिमेट किया गया है कि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आई है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सरमायाकारी करते हुए ममालिक डरते हैं, आप तक तजारत करते हुए डरते हैं, क्योंकि आप इंक्रीज मॉनिटरिंग के अंडर रह रहे हैं। बहुत सारे फॉरेन बैंक्स पाकिस्तान में जो ऑपरेट कर रहे हैं वो घबरा जाते हैं कि अगर हम ग्रे लिस्ट में हैं और खुदा ना करे कि अगर ब्लैक लिस्ट किया जाता है तो फिर उनके ताल्लुकात जो बाकी दुनिया है उससे क्या रहेंगे। एक चीज मैंने देखी है कि हमारे अपने अटर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जब वो सेनेट का केस चल रहा था तो उन्होंने कहा कि जी बहुत सारी पेमेंट्स जो हैं बोरियां भर भर के वो दुबई में कहीं जाके इनकी पेमेंट्स होती हैं।
तो इस किस्म की जब स्टेटमेंट्स आती हैं और वो हमारे आला आला तरीन अहदेदार जो देते हैं, मेरा ख्याल है कि उनको एहतियात करनी चाहिए, इस किस्म की चीज़ें बोलने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि इन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल जो है, जैसे अभी पहले कहा गया, हमारे दुश्मन हमारे क्या करेंगे और फिर जो इदारे हमको मॉनिटर कर रहे हैं वो क्या करेंगे। तो ग्रे लिस्ट से क्या जून में हम निकल पाएंगे, मेरा ख्याल है कि हमें जब तक वो कन्विक्शंस के ऊपर जो जोर दिया जा रहा है, जब तक हम ये साबित नहीं कर दिखाएंगे कि हमने कानून साधी तो कर ली है, हम तफ्तीश भी कर रहे हैं, हम मुकदमा भी चला रहे हैं, तो फिर हम सजा क्यों नहीं दे पाते। आपका लास्ट कमेंट। जी, मेरा कमेंट सिर्फ ये है कि जनरल साहब की बात 100% दुरुस्त है। अब देखें, अगर इन इदारों के या ऐसे इदारे जिनके साथ हमें चल के चलना है, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट ना होते तो फिर शुमाली कोरिया और ईरान दोनों ब्लैक लिस्ट में ना होते। तो आपको ग्रे लिस्ट में रखना ही रखना है इन्होंने, वो तो आप रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अहम किरदार किसने अदा करना है? उन लोगों ने अदा करना है जो हमेशा नेगेटिव किरदार अदा करते हैं, पाकिस्तान में बैठकर इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पर ग्रे लिस्ट में तब से मौजूद हैं। और इसके बावजूद कि हम तकरीबन तमाम सिफारिशात पर अमल दरामद कर चुका है मासवाय 3 के, तो फिर भी हमें यह भुगतना पड़ रहा है। तो हमारे यहां भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनकी हरकतों की वजह से। और हाँ, रिफॉर्म्स के मामले में आई सेकंड जनरल मुस्तफा साहब, ने जिस तरह कहा कि हमारी जुडिशरी का जो मामला है अब दैट इज़ वेरी सेंसिटिव, और वहाँ पर बहुत देखना होगा कि हमारे केसेस इतने डिलेड होते हैं, सजाएं हो नहीं पाती हैं, लोग बाहर इंतजार करते रहते हैं, पूरी पूरी उम्रें गुजर जाती हैं। और टेरर फाइनेंसिंग के मामले के ऊपर तो फौरन सजाएं होनी चाहिए, वो अगर नहीं होंगी तो जाहिर है फिर आप इसी तरह शिकंजे में पिसते जाएंगे, फंसते जाएंगे और फंसते चले जाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो सियासत हो रही है वो सियासत रिवायती सियासत ऐसी है, लगता है वो अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन बाय हुक और क्रुक वो इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इंडिया ऑलरेडी मेंबर है एफएटीएफ का, जब एक मेंबर उधर बैठा है तो उसने तो अपनी सिफारिशात मनवानी है, और उसका अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर होता है और पाकिस्तान वो बर्दाश्त